हाय गाइस, आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले जो है 32 इंच टीवी सारे खरीदे थे, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, 10,000 के राउंड थे सारे टीवी। इनमें एक ही प्रॉब्लम थी, साउंड की। मुझे लगा एक सोल्यूशन वीडियो भी आनी चाहिए। अगर आपने इनमें से कोई टीवी खरीदा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप ये साउंड बार भी चेकआउट कर सकते हो। ये 1,000 या फिर 1,500 रुपए के अराउंड आती है सारी की सारी। फैंटेस्टिक साउंड बार है, सिर्फ टीवी के साथ नहीं, आप अपने गेमिंग सेटअप में भी इनको कनेक्ट कर सकते हो। मैंने सारी मंगा ली जितनी भी पॉपुलर है। आज मैं बताऊंगा इनमें से कौन सी वर्स्ट है, कौन सी बेस्ट है। तो अगर आप कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर जो कि ब्लूटूथ वाला होता है ढूंढ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। क्या स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। 3 days later. तो भाई रैंकिंग क्रिएट हो चुकी है, मैंने सारी साउंड बार टेस्ट कर ली है। और बता क्राइटेरिया क्या था रैंकिंग का। मुझे था कि भाई ऑब्वियसली साउंड बार मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तो वो जो है कंटेंट के लिए सबसे ज्यादा सेंस होना चाहिए। अगर आप कोई मूवी ट्रेलर देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, उनमें अच्छे से आवाज आनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी तो भाई सेंस बनेगी वो टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए। और सेकंड बात, बेसिकली जितनी भी साउंड बार है ना, ये गेमिंग सेटअप के लिए बनाई गई है ब्रांड की तरफ से, लेकिन हम इनको टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये एक्चुअली में अच्छा आउटपुट देती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो आज की वीडियो है उसमें 1300 रुपए की सबसे वर्स्ट साउंड बार भी है और 1300 रुपए में सबसे बेस्ट साउंड बार भी है इस लिस्ट के अंदर। तो भाई मेरे हिसाब से बड़ा मजा आने वाला आपको इसी नोट पे। रैंक नंबर 5 की बात करते हैं, ये है गोवो गो सराउंड और मैंने इसको 1300 रुपए का खरीदा है। देखो ये साउंड बार जो है 25 वॉट की है, बट इसका डिजाइन मैं बता देता हूँ, बहुत सारे RGB के साथ आता है, लेफ्ट साइड भी RGB है, राइट साइड भी, इनफैक्ट फ्रंट में भी। अच्छा, कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं है इसके अंदर, बस बटन दे रखे हैं जिससे आप इसको लाइक वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो या नेक्स्ट ट्रैक वगैरह सब कुछ। बट सबसे मेन चीज ऑब्वियसली साउंड होती है। देखो जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था ना, तो मैंने जितनी भी मूवीज वगैरह देखी, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बेस इस साउंड बार में बहुत ज्यादा कम है। इसकी वजह से पता क्या होता है, अगर आपने कोई ऐसी मूवी चला रखी है जहां पर एक गन शॉट आता है, ऑब्वियसली वहां पे बेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो फील नहीं होता, वो थोड़ा वोकल्स के साथ मर्ज होने लगता है। देखो लाउडनेस कम नहीं है, लेकिन बेस ना होने की वजह से ना एकदम फ्लैट लगता है, मजा नहीं आता। जैसे कि Tiger 3 का मैं ट्रेलर देख रहा था, इसमें इसकी साउंड में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था। एक और मूवी है टॉप गन मैवरिक, उसमें भी बहुत सारे एक्शन सीन है, नहीं आता भाई मजा इतना फ्लैट साउंड के अंदर। खैर बाकी साउंड बार की स्पेसिफिकेशंस की क्या ही बात करें जब वो अपना साउंड अच्छे से नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको रैंक 5 पे रख दिया है। तो रैंक नंबर 4 की बात करते हैं, ये है ब्लोपंक SBA सीरीज गेमिंग साउंड बार। ये जो साउंड बार है मैंने 1800 रुपए की खरीदी है। फिर ये भी जो है 25 वॉट की साउंड बार ही है। और अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो यहां पर RGB मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं इस साउंड बार के बारे में, हो सकता था कि मैं इस साउंड बार को रैंक नंबर 2 या 1 पे भी रख देता, क्योंकि जिस तरीके के साउंड लेकर आता है नो डाउट अच्छी है भाई। क्योंकि जो साउंड बार है ना बहुत अच्छी सेपरेशन लेकर आती है, जैसे कि जो ट्रेबल होता है या फिर जो बेस होता है सब में एक सेपरेशन फील होती है। जैसे कि मैंने एक्शन सीन के बारे में बताया था पहले वाली साउंड बार में, जब मैंने इस साउंड बार में एक्शन सीन को सुना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ गाड़ी चलने की आवाज भी आ रही है, गन शॉट की आवाज भी आ रही है। ये एक तारीफ की चीज है इस साउंड बार के बारे में। और क्योंकि एक बजट साउंड बार है तो ऑब्वियसली डायलॉग ठीक से सुनाई देना चाहिए, अगर आप कोई भी कंटेंट देख रहे हो तो वो ये डिलीवर कर पा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम थोड़ी फनी भी है, कि जैसे इस साउंड बार पे कोई भी थंपिंग बेस आता है भाई, तो खुद ही देखो, मैं आपको थोड़ा सा तसल्ली से दिखाता हूं, ये जो है धीरे धीरे किसी भी फ्लैट सरफेस पे अपने आप आगे बढ़ने लगता है। अब नीचे की तरफ रबर फीड्स भी दे रखी है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है भाई, ये एक्चुअली में स्टेबल नहीं रह पाता खुद से। और एज अ ब्लोपंक यूजर मैं एक और एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगा। मैंने पहले भी ब्लोपंक की साउंड बार मंगाई थी, फैंटेस्टिक साउंड करती है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल इशू रहते हैं। जैसे कि ये जो मैंने साउंड बार मंगाई है, इसमें जो है ना ऑक्सपोर्ट पहले चल नहीं रहा था, फिर खुद से टूट गया। और सिमिलरली 2022 में भी मैंने जो है ब्लोपंक की साउंड बार मंगाई थी, वो भी जो है थोड़ी बहुत खराब आई थी, तो ये थोड़ा सा मुझे इशू लगने लगा है। ऑनेस्टली मुझे ब्लोपंक की बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट साउंड बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन अभी के लिए रैंक 4 ही रैंक सही रहेगा। भाई अब बात करते हैं टॉप 3 के बारे में, और ये तीनों रिकमेंडेड है, डिपेंडिंग आप कौन सा ब्रांड पसंद करते हो, आपका क्या बजट है। तो अगर मैं रैंक नंबर 3 की बात करूं, ये है बोट अवांते बार 600, और ये साउंड बार मैंने 1800 रुपए ही खरीदी है, और ये भी जो है 25 वॉट ही है। बट एक बात कहनी पड़ेगी गाइस, कि इसका डिजाइन मुझे दी बेस्ट लगा है। अगर आप इसको सच में टीवी के साथ यूज करना चाहते हो ना, तो कोई RGB नहीं है, जस्ट इसके फ्रंट में जो है फैब्रिक है जो कि अकोस्टिक में आई बिलीव हेल्प करता होगा, और इन जनरल भी इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे पसंद आई। और मैं सारी साउंड बार से कंपेयर कर रहा था, इसकी लेंथ सबसे बड़ी है। अच्छा बैटरी की बात करूं तो बोट जो है ना 7
आर का बैटरी बैकअप क्लेम करता है साउंड बार के साथ। वैसे पोर्ट्स की बात करो तो ऑक्स तो है ही और ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ में यूएसबी भी कनेक्ट हो जाता है। और ये जो टाइप सी पोर्ट है ये इसके चार्जिंग के लिए है। बाकी इसकी साउंड के बारे में बात करूं तो एक बात कहनी पड़ेगी कि भाई ये सबसे ज्यादा लाउड साउंड बार है जितनी मैंने आज टेस्ट करी है। नो डाउट लाउडनेस के लिए फुल मार्क्स है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं 100% वॉल्यूम कर देता हूँ ना तो डिस्टॉर्शन आप समझ लो, या फिर मैं बोलूंगा कि ये ऑडियो हैंडल नहीं कर पाता, थोड़ा सा अजीब साउंड करता है। तो बेस्ट मुझे लगा कि 80% वॉल्यूम पे ये बहुत अच्छा साउंड करता है। अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि कैसा साउंड करता है तो बस इतना समझ लो, इसका बेस जो है थोड़ा सा अपर वाली साइड रहता है, थोड़ा सा हैवी बेस है, बट स्टिल ऐसा नहीं होता कि भाई बेस सब कुछ ओवरपावर कर लेता है, एक्चुअली में क्लैरिटी बहुत सही आ जाती है कंटेंट में। और जब मैं इस पे कोई ट्रेलर या फिर जब मूवी देख रहा था एक्शन सीन वाली, तो एक बात मैंने नोटिस करी कि भाई सेपरेशन सही है लेफ्ट और राइट की। आई थिंक इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा, तो आई थिंक ये हेल्प करता है इसको। तो सिंपल सी बात है, चाहे फिर आप इसको अपने पीसी के सेटअप में लगाओ या फिर टीवी के अंदर, मुझे लगता है दोनों एरियाज में ये साउंड बार अच्छा वर्क करती है, रिकमेंडेड है। अब रैंक 2 की बात करते हैं, जो कि बहुत कूल दिख रहा होगा आपको आई बिलीव कैमरे पे। इसका नाम है पोर्ट्रॉनिक्स और ये साउंड बार मैंने सिर्फ 1300 रुपए ही खरीदी है और ये जो है 16 वॉट के साथ आती है। बट जो इसका डिजाइन है गाइस, बिलीव मी, रियल लाइफ में ये बहुत मस्त लगता है भाई। जो ये फ्रंट ग्रिल है, जिस तरीके का ये कलर दिखाता है, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि लेके थोड़ी फ्यूचरिस्टिक वाइब दे रहा है इसको। नो डाउट पोर्ट्रॉनिक्स ने फैंटास्टिक वर्क करा है डिजाइन में। वैसे हाँ, ये जो आरजीबी लाइट है ना इसके फ्रंट में, ये चेंज हो सकती है एक बटन से और अलग अलग पैटर्न आते रहते हैं, अच्छे लगते हैं भाई। आई मीन जिसको आरजीबी पसंद होगी वो 100% इसको बहुत पसंद करेगा। वैसे बैटरी की बात करूं तो पोर्ट्रॉनिक्स क्लेम करता है कि 5 घंटे का प्ले टाइम ये दे सकता है। पर हाँ, ये जो साउंड बार है ना, बिल्ट इन माइक के साथ आती है, तो अगर आपको पीसी में कनेक्ट करनी है तो माइक हेल्प कर सकता है। फिर कनेक्टिविटी वही बेसिक है भाई, यूएसबी पोर्ट भी है, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है, ऑक्स से भी। और ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने इसको पहली बार देखा था ना, मुझे लगा था ये सिर्फ देखने के लिए ही अच्छी होगी, क्योंकि जनरली मैंने देखा है टेक प्रोडक्ट के अंदर ऐसे होता है, जो दिखने में बहुत अच्छा होता है भाई वो साउंड अच्छा नहीं करता। लेकिन जब मैंने इसकी टेस्ट करी साउंड, नो डाउट इसने मेरे को इंप्रेस करा है। टॉप गन मैवरिक देखी मैंने, वहां पर एक्शन सीन इसने बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट किया हर एक चीज को, और मैंने बहुत सारा बॉलीवुड कंटेंट भी देखा है। इसका बेस भी बिल्कुल ठीक है, बस इसकी साउंड में एक ही कमी है कि भाई लाउडनेस इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक एक लिमिटेड तरीके से साउंड करता है अगर मैं कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूँ तो। बट जो बाकी चीज है इसकी वो बहुत सही है। एकदम क्लियर वर्ड्स में बताऊं तो भाई गेमिंग सेटअप में तो ये साउंड बार बहुत अच्छी लगेगी, और नो डाउट ये एक्यूरेट साउंड करती है तो वो बोनस तो है ही। वैसे टीवी के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको ये लाइट डिस्ट्रैक्टिंग ना लगती हो तो। अब बात कर लेते हैं भाई रैंक नंबर 1 की, जो कि क्रॉस बीट्स की तरफ से। ये जो साउंड बार है मैंने 1600 रुपए खरीदी है और मेरे हिसाब से भाई ये वैल्यू फॉर मनी है। और ये साउंड बार भी 24 वॉट की है, बट जो इसका डिजाइन है मुझे ऐसा लगता है भाई बहुत अच्छा काम किया है क्रॉस बीट्स ने, क्योंकि जो अपर वाला एरिया है यहाँ पर जो बेस ड्राइवर्स आप देख रहे हो, इनमें आरजीबी दिया है और ये बहुत कूल इफेक्ट देता है। इनफैक्ट फ्रंट वाली साइड में यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है जो बताता है कि भाई कौन सा मोड हो रखा है अभी इस साउंड बार के अंदर। फिर बैटरी की बात करो तो क्रॉस बीट्स प्रॉमिस करता है कि भाई 5 घंटे का प्ले टाइम ये दे सकता है। अच्छा एक और बात, ये जो साउंड बार है एफएम भी अपने साथ लेकर आता है भाई, अगर आप एफएम यूज करना चाहो तो ये एक एडिड फंक्शनैलिटी लगी मेरे को। बाकी ब्लूटूथ, ऑक्स और यूएसबी तीनों का ऑप्शन तो मिलता ही है, बट यहाँ पर भी एक चीज एक्स्ट्रा है कि माइक्रो एसडी कार्ड का यहाँ पर स्लॉट दे रखा है, तो ये चीज भी अच्छी है। बट ऑब्वियसली साउंड सबसे मेन चीज होती है, और जब मैंने इसकी साउंड टेस्ट करी गाइस, मुझे कहना पड़ेगा भाई ये फैंटास्टिक साउंड करते हैं। देखो 1600 रुपए के हिसाब से सबसे वैल्यू फॉर मनी तो है ही, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे रिच साउंड भी करता है, क्योंकि जिस तरीके का ये बेस भी लेकर आ रहा है वो भी ओवर पावर या फिर ओवर फील नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ट्रेलर और कुछ बॉलीवुड कॉन्टेंट, इनफैक्ट टॉप गन मैवरिक भी देखा है सबकी टेस्टिंग में, सारी साउंड बार की टेस्टिंग में, तो सेम चीज मैंने इसमें भी देखी भाई। और मेरे हिसाब से क्रॉस बीट की साउंड बार बहुत अच्छी सेपरेशन लेकर आती है, कॉन्टेंट देखने में नो डाउट भाई मजा आता है। सिंपल सी बात है, चाहे आप इसको अपने गेमिंग सेटअप में ऐड करो या फिर टीवी के साथ, मेरे हिसाब से दोनों में बहुत सेंस बनाता है। और क्योंकि इसकी जो आरजीबी है वो अपर साइड है, तो डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगता अगर आप टीवी से भी कनेक्ट करोगे। और ऑब्वियसली भाई जितनी भी मैंने साउंड बार दिखाई है वो सब टीवी से कनेक्ट ऐसे हो सकती है कि आपने जो है टीवी में यूएसबी केबल लगाई और फिर साउंड बार जो है टाइप सी से कनेक्ट कर दिया जिससे बैटरी कभी खत्म ना हो, तो भाई वो ऑब्वियसली साउंड बार की तरह वर्क कर जाता है। तो यहां पर लिस्ट खत्म हो जाती है। तो मैंने आज आपको टॉप 3 बेस्ट साउंड बार बता दिए जो कि आप कम से कम प्राइस में खरीद सकते हो, और ये सारे के सारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है भाई। काफी शॉकिंग बात भी है कि यार
कैसे हमें 1300 रुपए या फिर 1600 रुपए में इतने अच्छे ऑडियो प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए है। नो डाउट भाई, ये मार्केट बहुत अच्छी हो गई है इंडिया की। फिर आप इन सब में से कौन सी साउंड बार खरीदोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।